हाय फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मोस्ट क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का, जिसमें पहला क्वेश्चंस, इसका इंट्रोडक्शन क्लास पहले से हो चुका है। आज पहला क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें प्रूव करना है। क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है, आप क्वेश्चंस के लिए बुक का इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, शो डेट, दिखाइए कि एक फलन है जो आर स्टार से आर स्टार है। आर स्टार यानी कि रियल नंबर, आर से रियल वास्तविक संख्या और रियल वास्तविक संख्या, और फलन जो जो दिया है एफ एक्स बराबर 1/x जो है इज 1 एंड ऑन 2। कहने का मतलब कि एक एकाई भी है और अच्छादक भी है, दोनों हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। एफ एक्स रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपको सब संख्या आती है, प्रमेय अप्रमेय पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है ना। तो एफ एक्स बराबर 1 - 1 2 लिया, तो देखिए 1/x है, तो 1/x है, तो 1 एफ एक्स बराबर 1/x फंक्शन है। अगर हम एक्स का मान 1 रखते हैं तो 1/1 आएगा, अगर एक्स का -1 रखते हैं तो -1 आएगा, एक्स का मान 2 रखते हैं तो 1/2। तो देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हर एक जो एलिमेंट है उसका अलग अलग प्रतिबिंब है ना, सबके लिए एक है, एक के लिए एक, -1 के लिए -1, 2 के लिए 1/2, सब एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज है। तो वैसे फंक्शन जिसके एक एक का रिलेशन एक एक के साथ हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी कहते हैं। तो इसलिए जो फलन है क्या है, एकाकी है। अब हमें एक अच्छादक बताना है, तो अच्छादक जिसको ऑन टू कहते हैं, उसके लिए हमने आप लोग को बताया है कि को डोमेन जो होता है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। तो को डोमेन जो है आर स्टार है, यानी कि रियल नंबर। तो दोस्तों, रियल नंबर की जितनी भी संख्या है आप इसमें मान भरेंगे तो सब इसका क्या होगा, एलिमेंट जरूर हो जाएगा। तो सारा का सारा एलिमेंट को डोमेन का रेंज में भी आएगा, यानी कि को डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज। इसलिए क्या है, अच्छादक है। दोस्तों आइए अब इसकी दूसरी विधि से बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो दूसरी विधि में दोस्तों हम पहले मान लेते हैं, माना कि x1 तथा x2 वास्तविक संख्या, इसमें रियल नंबर है तो रियल ही लिखेंगे, है ना। तो अगर रखेंगे f(x1) तो हो जाएगा 1/x1 तथा f(x2) बराबर 1/x2। तो इसलिए f(x1) बराबर f(x2) करते हैं, तो f(x1) का मान 1/x1 और 1/x2, जब ऊपर वाला बराबर है इसलिए नीचे वाला भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए x1 बराबर x2। तो जब सारे एलिमेंट्स x1 का x2 के बराबर है, तो वैसे फंक्शनों को एकाकी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में 1:1 कहते हैं, इसलिए यह एकाकी है। अच्छादक के लिए दोस्तों देखिए, fx बराबर 1/x है, अब हम इसको fx को y कहते हैं ना, बाएं साइड वाले को y कहते हैं, तो y हो गया, x ले गुना हो तो xy बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/y हो गया ना। अब चूंकि fx बराबर 1 था तो x का मान हमने 1/y लाया, यहाँ पे पुट कर दिया 1/y, तो यहाँ भी x था तो 1/y जाके ऊपर हो गया y हो गया, यानी कि को डोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। तो इसलिए को डोमेन जब रेंज के बराबर हो गया तो ये अच्छादक हो गया ना दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं पहला। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा में दोस्तों 4-5 सवाल है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि f जो है n टेंड्स टू n यानी नेचुरल नंबर से रिलेशन है ना, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो n जो होगा बाएं साइड वाला x कहलाता है, और एक n जो है इसमें बाएं साइड वाला भी n लेना है और दाएं साइड वाला भी n लेना है, एक y हो गया। अब नेचुरल नंबर, गिनती की सारी संख्या नेचुरल नंबर होती है ना, x का मान अगर 1 रहते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, यानी हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग प्रतिबिंब है। जैसे 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, तो जिसमें अलग अलग इमेज है उसको क्या कहते हैं, एकाकी, इसलिए एकाकी है। अब अच्छादक के लिए दोस्तों देखिए, जो इसमें को डोमेन में हम नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में सारी संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसका रेंज जो होगा दोस्तों अलग होगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 रखते हैं तो 4 होगा, 3 रखते हैं तो 9 होगा। तो इसमें से यहाँ पे 2, 3 जो हुआ वो इसका एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ये एलिमेंट्स नहीं होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। अब जब को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं हो तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, अच्छादक नहीं है। उसी तरह से दूसरा सवाल जो है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही दिया है, लेकिन इसमें जो पहले नेचुरल नंबर से था इसमें जेड टेंड टू जेड है, जेड का मतलब होता है इंटेजर। तो दोस्तों इंटेजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, सारा एलिमेंट्स को ले लिया गया। अब जैसे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, और -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा ना, तो 1 का भी इमेज 1 है, -1 का भी इमेज 1 है, 2 रखते हैं उसका इमेज 4, -2 का इमेज 4। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें
दोनों एलिमेंट्सों का इमेज एक ही जैसे है, तो दो एलिमेंट्स का प्रतिबिंब एक आ गया एक ही जैसा हो तो वह एकैकी नहीं होता है। इसको मेनी वन बोला जाता है, यानी एक से ज़्यादा से रिलेशन, इसलिए यह क्या है, एकैकी नहीं है। अब आच्छादक देखना है दोस्तों। दोस्तों को डोमेन में अगर हम वाई का मान वन रखते हैं तो वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस वन रखते हैं तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, दो रखते हैं तो दो का स्क्वायर चार होगा, तीन रखते हैं तो दो का स्क्वायर चार होगा। तो रेंज में देखिए दोस्तों, एक है, एक एक है, चार है, लेकिन बीच में दो और तीन छूट जा रहा है, कभी भी दो तीन नहीं आएगा। तो जो छूट गया यानी कि इक्वल नहीं होगा, इसमें एक है, दो है, तीन है, लेकिन रेंज में दो तीन नहीं है, तो यानी कि को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। और जब को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि आच्छादक नहीं है। इंग्लिश में बोलना हो तो इसको इट इज़ नॉट ऑन टू। तो दोस्तों मैंने आज आपको दो सवाल बताया, दो में और दो तीन सवाल है, आप लोग उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में मैं आपको इसका तीन चार क्वेश्चन सोल्यूशन करूँगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।